नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि साइंस का किस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और साइंस का सिलेबस क्या है। जी हां, मैं क्लास 9th वाले सभी विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। मतलब अगर आप क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और 9th में सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक अफिलेटेड स्कूल है, जो पूरे भारतवर्ष में एक स्कूल है और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रन कराती है और बीएचयू से ये संबंधित भी है, तो आप सभी का सपना होगा कि हाँ सर, मेरा एडमिशन सेंट्रल हिंदू स्कूल में हो, जहाँ पे आपको एक बेहतर एक्सपोजर मिलेगा, बनारस में आपको आने का मौका मिलेगा और बनारस में आके आपको स्कूलिंग करने का मौका मिलेगा। तो जी हाँ, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो में क्या है देख लीजिए, आप पहले ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सिलेबस की बात करेंगे और हम लोग पैटर्न्स की बात करेंगे, यानी कि सिलेबस एंड पैटर्न्स में दोनों समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस, क्या क्या सिलेबस है तो समझेंगे ही आप, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले साल 2024 के एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से पूछे गए थे, किस किस चैप्टर से पूछे गए थे, आज हम लोग इस चीज को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड में हमारे यहाँ पे क्या है कि ये है सीएचएस बीएचयू 2025 से लेकर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन 2024 में क्लास 9th में साइंस के एग्जाम में, यानी कि साइंस के स्पेसिफिक पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब आपके चैप्टर है, यानी कि ये सब आपके सिलेबस है, इतने चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है जो आपको पढ़ना है, वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और आप देख पा रहे हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से कुल 3 प्रश्न आए थे 2024 में। ऐसे अगर मैं देखूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना होता है, वो हमारे किस तरीके से दोस्त है और किस तरीके से हमारे शत्रु है, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां वो सब चीजें पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं ना कि मोबाइल क्या है, अपने दोस्त है कि हमारे शत्रु है, तो इस तरीके से हमें मोबाइल की अच्छाइयां और बुराइयां पढ़ना होता है, वैसे यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अच्छाइयां और बुराइयां पढ़ना होता है। इससे भी 3 प्रश्न आए थे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लांट्स प्लास्टिक से भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था, लेकिन 2019 में देखा जाए, हो सकता है कि रिपीटेड मिले, क्योंकि अब एक चैप्टर से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, तो हर एक क्वेश्चन से तो आना नहीं है, इस वजह से आपको कभी कभी हो सकता है किसी टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, लेकिन जरूरी नहीं कि हो सकता है पिछली बार यानी कि इससे क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार इससे क्वेश्चन ना आए, लेकिन हमें पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, इसलिए सिलेबस यहाँ पर देखते रहिए और 2024 के आइडिया लगाते हुए इस बार पढ़े 2025 में क्वेश्चन कहाँ से हो सकते हैं, कहाँ से नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये सब हम तब देखते हैं जब हमारे पास में अंतिम पड़ाव होता है, तो अभी हमारे पास में समय है, सिलेबस पढ़ेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम से 2 क्वेश्चन आए थे, मेटल एंड नॉन मेटल से 1 आए थे, कंबशन एंड फ्यूल से 4 आए थे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से 2 आए थे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 1 आए थे। आपको ये देखने पे ज्यादा फोकस नहीं रहना, आपको ये देखने पे ज्यादा फोकस रहना है कि क्या-क्या आपका सिलेबस में है, ठीक है, तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस से नहीं क्वेश्चन आए थे, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे कई सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको जाते हैं, 180 नंबर आ ही जाते हैं, 150 नंबर तक आ ही जाते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की लेवल इजी टू
रखा है जब बच्चों का एडमिशन होने होते रह जाता है वो कब, जब वो लोग बच्चे क्या करते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मेरे को हटाने दो, थोड़े से क्वेश्चन रह जाते हैं कब, जब आप देखते हैं कि कट ऑफ जो है बना है 240, 238 वाले बच्चे भी होते हैं, 230 वाले बच्चे होते हैं, इसमें रेंज में कई सारे बच्चे होते हैं। अब समझो यही हार्ड लेवल का क्वेश्चन होता है जो आपका डिसाइड करता है कि आप कट ऑफ में आएंगे या नहीं, कुछ क्वेश्चन इसे में अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो कई आसान भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएचएस में, तो मेरा बताने का मोटिव यही है कि कई आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको किस किस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सीएचएस में। तो ये रहा आपका पहला स्लाइड जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया है मिराज इज अ एग्जांपल ऑफ, मिराज किसका एग्जांपल है। अब ऐसे हम लोग क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों हमारी स्लाइड्स होते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से किसका उदाहरण है तो आपको बताना होगा कि ये प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है, रिफ्रैक्शन का है, डिफ्रैक्शन का है या किसी का नहीं। अगर आपको आंसर पता है, आपने पढ़ा है, किसका चैप्टर है ये, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप सर से बता देंगे भाई कि हाँ कृष्णा किसका उदाहरण है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लाइट ईयर किसकी यूनिट है, देखो ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अब ये मॉडरेट था, अब यहाँ पे एक आसान आ गया। क्या आ गया आसान क्वेश्चन, क्या पूछा गया भाई लाइट ईयर किसका मतलब किसकी इकाई है, यूनिट किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि किस चीज में मेजर किया जाता है लाइट, है ना, दूरी में कि समय में कि वेग में कि संवेग में, तो आप आसानी से बता देंगे अगर आप पढ़े रहेंगे तो। और ये क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है, ये गति यानी कि मोशन चैप्टर से पूछा गया है। ऐसे ऐसे ही आपके हर एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आसान भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस कठिन भी होंगे, लेकिन हर तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना सिखाया जाएगा आपको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और साथ में अगर आपको डीप एनालिसिस लेनी है, समझना है किस तरह से क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स डीपीपी मॉड्यूल्स सब कुछ आपको लेना है, टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, देखना है कि सीएचएस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आपको हमारे ऐप के साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारा ऐप कौन सा है, सीएचएस जेएनवी कैपिटल, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो, वहां से आपको डाउनलोड करना होगा हमारे ऐप को। उसके बाद दो तरह के बैच है हमारे यहां पे, कौन कौन से, एक नव निर्माण बैच है यानी कि एक नव निर्माण बैच है। नव निर्माण बैच की खासियत यह है कि आपको क्या करेगा, ये क्लास 9th की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी तो कराएगा, साथ में आपको क्लास 8th की भी बेहतर तैयारी कराएगा। क्लास 8th में हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे जो आपके स्कूल में पूछा जाता है, उसके बाद हम लोग क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम सीएचएस के एग्जाम के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं आपका 8th का ही एग्जाम सफिशियंट होता है, 8th के सिलेबस से भी कई सारी चीजें होती हैं जो सीएचएस 9th एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएंगी, जो बेहतरीन तरीके से चीजें पूछी जाती हैं और मैं अपने बच्चों को लगातार चीजें बताता भी रहता हूं। और साथ में इसमें खासियत यह है कि नव निर्माण बैच अगर आप एक बार परचेस करते हैं तो आपको क्या होगा, क्रैश कोर्स जो हमारा आता है, क्रैश कोर्स में आपका फ्री एनरोलमेंट रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आपको दिखा दें कि दूसरे तरह का जो हमारा बैच है वो अवेलेबल है, संकल्प बैच। संकल्प बैच की प्राइस कम है और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मतलब लाया गया था ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते नव निर्माण बैच को, वो संकल्प बैच ज्वाइन कर ले और अपनी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करें, नुकसान किसी का ना हो। और ये बैच यानी कि सीएचएस वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, क्लास 9th और क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, इसमें सिर्फ आपको सीएचएस की तैयारी कराई जाएगी, ये क्लास 8th के सिलेबस और आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं चला जाएगा, ये सीएचएस क्लास 9th की तैयारी कराने के लिए हमारा बैच संकल्प बैच है। चलिए आगे आते दिखा देते आपको, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो इतना ईजी सा क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, यानी कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, सबको पता भाई, बच्चे बच्चे को पता कितनी होती है, आपको पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं एक क्वेश्चन की आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो है आज आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिलेबस और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताने आया हूँ। तो चार क्वेश्चन आपको यहाँ पे, देखो ये देखो, निम्न में से कौन सा तत्व यूरिया में मिलता है, अब बताओ भाई कि यूरिया में कौन सा तत्व मिलता है, सभी लोगों को पता है, डिस्कवरी भी है इससे रिलेटेड, ठीक है। इससे क्या किया था कि अब देखो, अब मैं बताऊंगा ऐसे थोड़ा सा कि उन्होंने क्या किया था भाई, एक डिस्कवरी के बारे में बताऊंगा और आप लोग बताएंगे कि किसने इस डिस्कवरी को किया था, मतलब किसने इसकी खोज की थी। क्या किया था उन्होंने, पेशाब को कलेक्ट करके यानी कि यूरिन को अपने कलेक्ट करके उसमें मतलब उसको काफी ज्यादा टेम्परेचर देकर उसको गर्म किया था और उसमें से एक एलिमेंट निकाला था, वो एलिमेंट कौन सा है, ये चार में से एक है, ठीक है, जो थोड़ा चमकता भी है, ठीक है। तो अब आप लोग बता देंगे कौन सा एलिमेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो तत्व मिलता है यूरिया में कौन सा है, चार में से एक है और जो डिस्कवरी करके उन्होंने निकाला था, तो आपको ये बताना पड़ेगा। चलिए तो चार क्वेश्चन है, चारों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और साथ में बताएंगे कि सिलेबस जान के कैसा लगा और आप तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं या नहीं। और इसको जरूर आप देख लीजिएगा और नोट करके अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या ये
पहले जो नौ चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक नहीं दिख रहा, क्या थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ भी चैप्टर। हाँ, रिप्रोडक्शन इन एनिमल है, जिससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसको देख लीजिए। और यहाँ पे भी आप 18 जो चैप्टर है, यानी टोटल 18 जो चैप्टर हुए हैं, उसको भी देखिएगा, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर वगैरह। ओके, चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे हमारे टीचर्स आएंगे जो आपको बताएंगे किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।